मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका भारत के मामलों में हस्तक्षेप करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं सोच सकता। राहुल गांधी के बयान कि अमेरिका भारत के मामलों में हस्तक्षेप करे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कोई देशभक्त ऐसा नहीं सोच सकता है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। मुझे तो आश्चर्य होता है और दुख भी होता है और शर्म भी आती है। इतनी पुरानी पार्टी के नेता ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमारे देश का कोई नेता ऐसे कैसे कह सकता है? आश्चर्य भी है, दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, जिसने बरसों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हमारे देश का कोई नेता ये कैसे कह सकता है अमेरिका से? कि तुम दखल दो भारत के मामलों में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। कोई भी देशभक्त इस तरह का सोच नहीं रख सकता। छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम, खरगोन, उज्जैन में 2 से 3 दिन के लॉकडाउन और भोपाल, इंदौर में केवल रविवार के लॉकडाउन के सवाल पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। जिन जिलों में सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं वहां तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ये चिंता की बात है। आप जनसंख्या के अनुपात में अगर देखेंगे तो वो शहर बहुत छोटे हैं जहाँ इतने व्यापक पैमाने पर संक्रमण है। बैतूल और छिंदवाड़ा, यहाँ तक खरगोन भी, इनकी सीमाएं महाराष्ट्र के साथ लगती है और महाराष्ट्र में जो केसेस की संख्या आ रही है 44,000-43,000 एक एक दिन में, वो बहुत चिंतित करने वाली है। इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे। सौंसर, पांडुरना, छोटे छोटे कस्बे हैं लेकिन बड़ी संख्या में पेशेंट मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ 3 दिन का और बाकी जगह 2 दिन का लॉकडाउन है। इंदौर में और भोपाल में शनिवार की शाम से रात से लेकर सोमवार की सवेरे तक लॉकडाउन रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।